हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज 2nd of November है और अभी तकरीबन 2:36 होने आई है और यहां पे अगर हम गिरावट की बात करें तो तकरीबन 150 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और परसेंटेज में तकरीबन 7.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो भारी गिरावट हमें आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिली है। तो इस गिरावट के पीछे अगर हम रीजंस की बात करें तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q2 नतीजे आए थे 2 दिन पहले। Q2 नतीजों का असर हमें कहीं ना कहीं आज रिलायंस के शेयर के प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। और भी कुछ खबरें निकल के आई है और ये भी अपने आप में काफ़ी कुछ नेगेटिव खबर भी है और कुछ पॉजिटिव खबर भी है, तो उन खबरों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और कौन से लेवल पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है, कौन से लेवल पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और पोजीशन बनाने के लिए कौन सा सही लेवल रह सकता है, उन सभी बातों पे हम पूरा एनालिसिस करेंगे और डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंगेज करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो कुछ खबर निकल के आई है उसके ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि RIL यानी रिलायंस हेडेड फॉर 42% कट, मैक्यूरिस मेजर डाउनसाइड पोस्ट Q2 रिजल्ट्स। तो ये जो मैक्यूरी है उसने रिलायंस के ऊपर जो टारगेट दिया है वो अपने आप ने चौंकाने वाला टारगेट दिया हुआ है। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैक्यूरी है वो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी और बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है, जैसे मूडीज है उस तरह की दोस्तों ये रेटिंग एजेंसी है। उसने रिलायंस के ऊपर जो टारगेट दिया है वो आंखें फाड़ देने वाला टारगेट दिया हुआ है। और आपको पता ही होगा कि जो Q2 रिजल्ट्स आए थे वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नेगेटिव आए थे, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं रिलायंस के शेयर प्राइस के ऊपर आज पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सारी खबरों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं Q2 रिजल्ट्स में जो प्रॉफिट देखने को मिला था वो तकरीबन 15% का हमें प्रॉफिट डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिला था, जो कि इस क्वार्टर में Q2 में जो रिलायंस का जो प्रॉफिट आया वो तकरीबन 9,567 करोड़ का आया था, लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पे देखा जाए तो तकरीबन 15% का प्रॉफिट डिक्लाइन आता हुआ हमें देखने को मिला था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीज़न है आज गिरावट के पीछे का। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो रिलायंस का जो मेन बिजनेस है वो पेट्रोकेमिकल का है, जो कि 70% तक का रेवेन्यू पेट्रोकेमिकल की ओर से आता है और बाकी का रिटेल और जियो, क्योंकि उन दोनों में तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था और काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहे थे उन दोनों सेक्टर में, रिटेल में और जियो में। लेकिन जो मेन पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस था वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ से हमें कुछ बढ़िया संकेत आते हुए देखने को नहीं मिले थे, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं आज हमें रिलायंस के शेयर प्राइस के ऊपर प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे आपने देखा होगा आईटीसी में भी हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि उसका जो मेन तंबाकू का बिजनेस है वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला था। बाकी तो देखा जाए तो आईटीसी का भी होटल का बिजनेस है, पेपर का बिजनेस है, वो FMCG में बिजनेस है उसका, फिर भी उसका जो मेन बिजनेस था तंबाकू का उसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन रिजल्ट आते हुए देखने को मिले थे, तो जिसके चलते भी हमें ITC कहीं ना कहीं प्रेशर में देखने को मिल रहा है। उसी तरह से हमें रिलायंस में भी कहीं ना कहीं जो मेन उसका बिजनेस है पेट्रोकेमिकल का उसके ऊपर हमें थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज शेयर प्राइस के ऊपर भी हमें दबाव देखने को मिला। और जो कुछ खबरें निकल गई है वो भी दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा और ये भी अपने आप में काफ़ी नेगेटिव खबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेटिंग एजेंसी है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मैक्यूरी, उसने जो रिलायंस के ऊपर जो रेटिंग दी है वो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने नहीं सुना, मैं फिर से आपको बता दूँ, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और उसने जो टारगेट दिया है वो आंखें फाड़ देने वाला टारगेट दिया है, तकरीबन 1195 का टारगेट दिया है, यानी ऑलमोस्ट 1200 का टारगेट दिया हुआ है एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने दोस्तों। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैलाने वाले खबर यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो ये मैक्यूरी ने जो टारगेट दिया है इस टारगेट के दोस्तों काफी नेगेटिव फैलाने वाला टारगेट है और ये बिल्कुल गलत टारगेट दिया हुआ है।
तो हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि हमें कहाँ तक गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है और किस तरह के लेवल और टारगेट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और देखा जाए तो फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग हुई थी रिलायंस की, वो तकरीबन 2054 पे ट्रेडिंग क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो इस क्लोजिंग से 42% डाउन साइड टारगेट दिया गया है और आज ऑलमोस्ट हमें 7 से 8% तक लुढ़कता हुआ रिलायंस नज़र आ भी चुका है दोस्तों। तो इस तरह की यहाँ पे एक एक खबर निकल के आई थी। और भी कुछ रेटिंग एजेंसियाँ हैं जिसने टारगेट दिया हुआ है रिलायंस के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडलवाइज ने भी टारगेट दिया है और एमके ग्लोबल ने भी टारगेट दिया है। जो एडलवाइज ने टारगेट दिया है वो 2105 का दिया है और एमके ग्लोबल ने 1970 का टारगेट दिया हुआ है। तो इस तरह के टारगेट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मैंने आपको जो मेन रीज़न बताया, क्योंकि यूट्यूब रिजल्ट्स में जो हमें गिरावट देखने को मिली जो मेन बिजनेस में वो, और ये जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने जो 1200 का टारगेट दिया वो भी कहीं ना कहीं बड़ी नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है। और भी देखा जाए यहाँ पे तो मुकेश अंबानी ने तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के स्टेक भी सेल कर दिए थे और उसमें से 1.76 लाख करोड़ जो कि उसके ऊपर जो डेप्थ है तकरीबन 3 लाख करोड़ की जो डेप्थ है उसमें उस डेप्थ को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये पैसे का यूज़ किया था तकरीबन 1.76 लाख करोड़। CLSN ने भी जो यहाँ पे टारगेट दिया है वो भी यहाँ पे आप देखोगे तो CLSN ने जो टारगेट दिया है वो 2250 का टारगेट दिया है जो कि काफ़ी पॉजिटिव टारगेट है। और गोल्डमैन की बात करूँ तो उसने भी तकरीबन 2330 का टारगेट दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव टारगेट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये मैक्यूरी ने जो टारगेट दिया है इस टारगेट के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ दोस्तों। ये काफ़ी नेगेटिव फैलाने वाला टारगेट है और ये बिल्कुल गलत टारगेट दिया हुआ है। तो हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि हमें कहाँ तक गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है और किस तरह के लेवल और टारगेट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की यहाँ पे हमें खबरें देखने को मिल रही थी जिसके चलते हमें रिलायंस के ऊपर भारी आज गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम NSE की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और आज के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम चार्ट के ऊपर जाएंगे और एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम NSE की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पर मैंने रिलायंस को सर्च करके रखा हुआ है। और आज के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो तकरीबन जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि 150 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी और ये यहाँ पर गिरावट बढ़ती ही जा रही है। तकरीबन 167 रुपये के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है और परसेंटेज में 8% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी जैसा मैंने अभी आपको बताया 2054 पे और ओपनिंग आज देखने को मिली काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली तकरीबन 2027 पे ओपनिंग देखने को मिली और हाई भी बनाया वही लेवल पे, सेम जहाँ पे ओपनिंग देखने को मिली वहीं पे हाई बनाया और कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली और लो देखने को मिला 1885 का। और डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 बजने आए हैं और यहाँ पे जो डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं वो तकरीबन 34% के आसपास के डिलीवरेबल परसेंटेज नज़र आ रहे हैं। आफ्टर क्लोजिंग मार्केट 3:30 के आसपास हमें यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं डिलीवरेबल परसेंटेज में। अब हम चार्ट के ऊपर एक नज़र कर लेते हैं कि किस तरह के लेवल और टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं और यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में और कौन से लेवल पर हमें रजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिला था रिलायंस इंडस्ट्रीज में और जिस तरह से हमें तेज़ी देखने को मिला उसी तरह से हमें अब कहीं ना कहीं गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग प्राइस की बात करूँ अभी फिलहाल देखा जाए तो 1898 के आसपास हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था 2000 से 2050 का, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, उस सपोर्ट को ब्रेक किया और हमें आज गजब का फॉल आता हुआ देखने को मिला। और अभी यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 1790 का सपोर्ट आएगा, 1800 से 1790 का मुझे यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये सपोर्ट अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमें इसी सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है और यहाँ से ही हमें बैक बाउंस देखने को मिल सकता है। ये भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 1780 से 1800 का। तो इस सपोर्ट को दोस्तों आप अपनी नज़र में रख सकते हैं।
खरीदारी करने के लिए दोस्तों आप 1790 से 1800 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। उस लेवल पे आता है तो उस लेवल से आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदना चालू कीजिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदिए दोस्तों, एक साथ ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी मत खरीद लीजिए। अगर वहाँ से और गिरावट आती है तो फिर आपको लॉस भी हो सकता है, तो थोड़ी खरीदारी कीजिए दोस्तों। मेरी यही राय रहेगी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और RSI का लेवल भी अपने आप में काफ़ी यहाँ पे वीक देखने को मिल रहा है, तकरीबन 24 का RSI का लेवल देखने को मिल रहा है। और जैसे ही 20 के आसपास RSI का लेवल आता है तो उसके बाद हमें यहाँ से फिर बैक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन लेवल्स को आप वॉच आउट कर सकते हैं। और ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं वो अभी दोस्तों फ़िलहाल कुछ काम के नहीं है, जैसा यहाँ पे 2170 का और 2285 के दो रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बनाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, उस लेवल के आसपास आप खरीदारी कीजिए। और शॉर्ट टर्म के लिए आप टारगेट ले सकते हैं 2000 और 2050 के, ठीक है। तो इन लेवल और टारगेट को आप वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।